हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यार, पूरे 2 साल के बाद मार्वल ने एक नया एनिमेटेड शो लेके आया है, व्हाट इफ का दूसरा सीजन। और इसका पहला सीजन हमें 2021 में देखने को मिला था, एंड बीइंग ऑनेस्ट वो सीजन बहुत ही ज्यादा कमाल का था। सुप्रीम स्ट्रेंज के अराउंड जो स्टोरी रिवॉल्व करता है भाई, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। और फिर मार्वल को लगा कि भाई व्हाट इफ सीजन 1 तो बहुत ही ज्यादा हिट जा चुकी है, सबको इसे इतना ज्यादा पसंद करें, चलो इसका एक नया सीजन लेके आते हैं। और फिर आता है व्हाट इफ का सीजन 2, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का है। हाँ, हालांकि इसका पहला एपिसोड थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन फिर इसके दूसरे एपिसोड से लेके पूरा 9th एपिसोड तक क्या ही कमाल का वाइब्स देता है भाई। इस सीजन में भी आपको वही 9 एपिसोड ही देखने को मिलेंगे जैसे आपको सीजन 1 में भी देखने को मिला था। और इसके हर एक एपिसोड में आपको हर एक कहानी आपको बताई गई है, जैसे कि नेब्यूला नोआ कोर को ज्वाइन करती है, पीटर क्विल अर्थ आ जाता है, टोनी स्टार्क यानी कि हमारा आयरन मैन सकार चला जाता है, और अगर क्या हो को 10 रिंग्स का पावर भी मिल जाए। ऐसा बहुत सारे आपको क्वेश्चन और बहुत सारे स्टोरी लाइन आपको इस सीजन के पूरे एपिसोड में देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग करके आपको रखता है। और इसका जो लास्ट एपिसोड है ना भाई, एपिसोड 9, मैं बोलूं भाई सीजन 1 में जितने भी एपिसोड हैं, या फिर बोलूं तो सीजन 1 का जो क्लाइमेक्स सीन भी है, उससे कई गुना ज्यादा बेहतर आपको सीजन 2 के लास्ट एपिसोड के फाइनल बैटल में देखने को मिलता है। सीजन 1 पे मेन विलेन कौन था? इन्फिनिटी अल्ट्रॉन था। लेकिन यहाँ सीजन 2 में आपको जो मेन विलेन आपको देखने को मिलता है वो है सुप्रीम स्ट्रेंज। और जिस तरीके से सुप्रीम स्ट्रेंज को यहाँ पे डिलीवर किया गया, जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया एज ए विलेन एंड एज ए हीरो, भाई कमाल लगता है। और वो कोटेशन भाई सच हो जाता है जो कि फैंस ने बनाया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ यूनिवर्स का ही नहीं, पूरा मल्टीवर्स लेवल का थ्रेट है। एक्चुअली में सुप्रीम स्ट्रेंज इस सीजन में करना क्या चाहता वो अब मैं आपको यदि शॉर्ट में बोलूं तो, सुप्रीम स्ट्रेंज हर एक यूनिवर्स के, मतलब जितने भी मल्टीवर्स में यूनिवर्स है ना, उनके थ्रेड विलेन एंड जो सुपर हीरो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनके यूनिवर्स को, उन सबको वो कलेक्ट करके रख रहा है एक जगह पे। और वो एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा मशीन बनाता है जहाँ पे वो यदि पूरे के पूरे मल्टीवर्स में जितने भी यूनिवर्स है ना, उनमें कई सारे जो हीरोस हैं, जो विलेन है, जो वर्ल्ड लेवल के थ्रेट है, उन सबको वहां पे यदि वो एड करता है, तो वो जो अपना यूनिवर्स खो दिया था क्रिस्टीन को बचाने के लिए, डॉक्टर स्ट्रेंज वापस से वो यूनिवर्स वो पा सकता है बस अपने क्रिस्टीन को बचाने के लिए। यही सब मामला आपको सीजन 2 में देखने को मिलता है। और आपको इस सीजन में कई सारे ऐसे सीन्स भी हैं जो कि आपको मूवीज से भी कनेक्ट करती हैं। और जैसा कि हमें बोला गया था कि व्हाट इफ का कोई भी सीजन किसी से भी लिंक नहीं है, लेकिन भाई कुछ कुछ सीन्स, कुछ कुछ जगह पे ये फील होता है कि भाई ये सब इंटरकनेक्टेड भी होंगे, और शायद आगे जाके एनिमेटेड सीरीज में मार्वल का एक मल्टीवर्स भी बन सकता है जैसे कि मूवीज में बना है। अभी तक तो भाई व्हाट इफ का एनिमेटेड सीजन बहुत ही ज्यादा कमाल धमाल लग रहा है। और इस सीजन का जितना भी एपिसोड था ना, पूरा का पूरा एपिसोड रिलीज हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाके देखो भाई, नहीं तो आप बहुत ही बड़ा इवेंट आप मिस करने वाले हो। व्हाट इफ बहुत ही ज्यादा भयंकर लग रहा है। मैंने तो भाई व्हाट इफ सीजन 2 देख लिया है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हाँ, अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो आपको हमेशा हर रोज देखने को मिले। तो यार मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ एबी एक्सप्लेन में।